अगर मेरा रेसिपी आप लोग को पसंद आए तो एक लाइक दे दें, और जो नए व्यूअर हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ऑल नोटिफिकेशन को दबा दें। सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए हमारे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। देखिए हम मछली धो के एक बर्तन में रख लिए हैं। अब इसमें हम मसाला डालेंगे, हल्दी पाउडर लगभग छोटा चम्मच से एक चम्मच देना है। इसी के साथ जो है कि हम इसी समय नमक देंगे, फ्राई करेंगे मछली को, इसलिए थोड़ा सा नमक देना है इसमें, लगभग छोटा चम्मच से एक चम्मच देना है। अब इसको मिक्स करेंगे। तब तक हम तेल जो है कि एक कढ़ाई में डाल के गरम कर रहे हैं। देखिए मेरा तेल गरम हो गया है। अब इसमें जो है कि मछली डालेंगे, थोड़ा सावधानी से डालना है, क्या कि तेल बहुत गरम रहता है इसीलिए, नहीं तो छिटक के हाथ में भी आ जाता है। इसको धीमी आंच में पकाएंगे अच्छे से। जो भी मेरे चैनल पे नए व्यूअर हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक लाइक दे दें, और मुझे कमेंट ज़रूर करें कि मेरा रेसिपी आप लोग को कैसा लगता है, कैसे हम बनाते हैं, और आप लोग को कौन सा रेसिपी देखना पसंद करते हैं, मुझे कमेंट करें। देखिए इसको अब धीरे से पलटेंगे इस साइड से, मिक्सर जल जाएगा। मछली में थोड़ा सा कट लगा दिए हैं जिससे कि जो है कि जो भी मसाला जो भी नमक होगा ये अंदर तक जाएगा और खाने में टेस्टी लगेगा। आप कमेंट करके मुझे बताएं आप कैसे अपने घर में मछली बनाते हैं। ये मेरा देसी मछली है, मार्केट से लाए हुए हैं, रेहू मछली है। ये छोटा साइज वाला लाए हैं, ये ज़्यादा टेस्टी होता है। इसी तरह जो है कि हम सारे मछली को फ्राई करेंगे।
अच्छा लगता है इस ग्रेवी खाने में। जो भी मेरे व्यूअर हैं आ जाइए मछली खाने के लिए, देसी मछली। देखिए वीडियो में आपको दिखाई दे रहा होगा ब्राउन मेरा जो है कि मसाला पूरी तरह से हो गया है। अब इसमें जो है कि ग्रेवी के लिए पानी डालेंगे, पानी डाल देते हैं। आपको जैसा ग्रेवी पसंद है आप अपने हिसाब से डालिए। वैसे जो है कि मछली में तो ज़्यादा पतला रहना चाहिए, और इसमें पानी डालेंगे। पानी थोड़ा ज़्यादा रहेगा तो चावल के साथ खाने में ज़्यादा मज़ा आएगा। अब इसको जो है कि 5 मिनट तक पानी को अच्छे से ग्रेवी को खौलाएंगे। उसके बाद फिर इसमें जो है कि हम फ्राई किया हुआ मछली डाल के उसके बाद फिर हम निकाल लेंगे, चूल्हे से उतार देंगे इसको। अब देख सकते हैं कि ग्रेवी जो है पूरा पूरी तरह से पक गया है, खोलने लगा है पानी। अब इसमें जो हम मछली डालेंगे फ्राई किया हुआ। इसको धीरे से डालना है, हो सकता है कि फ्राई किया हुआ है कहीं टूट ना जाए। अब इसको जो है ज़्यादा नहीं, मात्र 2 मिनट इसको जो है कि रस में डुबा के रखेंगे। उसके बाद कढ़ाई उतार देंगे। मेरा मछली बनके रेडी है, आपको सर्व करके दिखा रहे हैं।